जय जय माता दी दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? तो दोस्तों आइए बात करते हैं आज सूर्य देव की शांति के बारे में कि सूर्य देव को किस प्रकार शांत किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आज मैं यही बताऊंगी आपको कि सूर्य देव को शांत किस प्रकार किया जा सकता है। तो दोस्तों अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को ज़रूर दबा लें जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो दोस्तों आइए करते हैं सूर्य देव की शांति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देती हूँ मैं आज। तो दोस्तों करना क्या है आपको? आपको करना है हरिवंश पुराण की कथा करें या सुने तथा सूर्य को जब भी अर्घ दें मीठा डाल कर दें। दोस्तों जब भी पानी चढ़ाएं सूर्य देव को तो उसमें कुछ मीठा डालें, चीनी गुड़ कुछ भी डाल सकते हैं, मीठा होना चाहिए, फिर ही सूर्य को पानी चढ़ाएं। माणिक्य भी धारण कर सकते हैं, माणिक्य के भाव में लाल हकीक धारण भी कर सकते हैं। और दोस्तों चारपाई के जो पाए होते हैं, अगर आप चारपाई यूज़ करते हैं, चारपाई के पायों में जो होते हैं तांबे की कीले गाड़ दें, इससे भी सूर्य देव को शांति प्राप्त होती है। सूर्य नीचे का हो तो सूर्य की चीज़ों का दान न लें और उच्च का हो तो सूर्य की चीज़ों का दान न दें। सूर्य के मंत्रों का किसी ब्राह्मण से जाप कराएं, विधिपूर्वक जाप कराएं, पूजा पाठ कराएं, इससे भी सूर्य को शांति प्राप्त हो जाती है। सूर्य को प्रसन्न करने के लिए सुबह प्रातः जल्दी उठें, जब आधा ही सूर्य निकले तो उसे लाल पुष्प डालकर नियमित अर्घ्य दें। दोस्तों जब सूर्य आधा निकला होता है, जब बहुत जल्दी उठना पड़ेगा आपको दोस्तों, जब सूर्य आधा निकला वो उस समय लाल पुष्प डाल दें, अर्घ्य दें, सूर्य देव को प्रणाम करें, इससे भी सूर्य के शांति प्राप्त होती है। प्रतिदिन लाल चंदन केसर मिश्रित जल सूर्य देव को दें, गायत्री मंत्र का जप करें तो भी सूर्य को शांति प्राप्त होती है, आपका सूर्य शांत हो जाता है। यदि सूर्य पाप ग्रहों के साथ हो, विशेष रूप से शनि या राहु की युति में हो तो विधिवत रुद्राक्ष अभिषेक कराएं या करें। रविवार को नमक का त्याग करेंगे तो भी सूर्य देव शांत हो जाएंगे। लगातार 11 अथवा 21 रविवार तक कमल के लाल पुष्पों को गणेश जी पर चढ़ाएं। ये बहुत ही सरल सा टोटका है दोस्तों। गणेश जी पर चढ़ाने आपको लाल फूल चढ़ाने, गणेश जी पर फूल आपको कमल के लेने हैं और 21 रविवार या 11 रविवार को चढ़ाएंगे तो भी आपको बहुत फायदा प्राप्त होगा, आपका सूर्य शांत हो जाएगा। लगातार 5-11 या 43 रविवार तक का व्रत करें दोस्तों। ये व्रत विधि बताई गई है, लगातार करनी है, छोड़ना नहीं है बीच में। 5-11 या 43 रविवार का व्रत करें। 11 रविवार दोपहर में केवल दही भात का सेवन करें। दही और चावल खाने हैं आपको रविवार को, उससे भी आपका सूर्य शांत हो जाएगा। बंदरों को गुड़ और चने खिलाएं, बंदर का पालन करेंगे तो भी सूर्य शांत हो जाएगा दोस्तों। सोना तांबा गुड़ आदि का दान करेंगे तो भी सूर्य शांत हो जाएगा। रविवार को, प्रत्येक रविवार को बहते पानी में गुड़ बहाएं दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा माना जाता है, सूर्य शांति के लिए बहुत अच्छा होता है। गुड़ पानी में प्रवाहित करना बहुत अच्छा होता है। सूर्य पीड़ा की विशेष शांति हेतु इलायची, साठी, चावल, खस, मधु, कमल, कुमकुम, मेसलीन और देवदार मिलाकर 7 रविवार तक स्नान करें, अथवा कनेर महुआ के पुष्प सबको चूर्ण मिलाकर रविवार के दिन स्नान करें, ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है सूर्य शांति के लिए दोस्तों। तो दोस्तों ये बहुत ही छोटी छोटी सी बातें हैं पर इनका असर बहुत जल्दी होता है, इन्हें ज़रूर आजमाएं अपने जीवन में। अगर आपको सूर्य देव से कोई प्रॉब्लम चल रही है, आपका सूर्य भारी चल रहा है तो ज़रूर अपना के देखें। इनमें से कोई भी एक उपाय कर सकते हैं, मैं सारे उपाय करने के लिए नहीं कह रही हूँ, आप इनमें से कोई भी एक उपाय अपनाकर सूर्य देव को शांत कर सकते हैं। अपना चाल चलन ठीक रखें, सामाजिक तत्वों से मित्रता न रखें दोस्तों। असामाजिक जो तत्व होते हैं, जो भी गुंडागर्दी होती है वो ना करें आप। घर का आंगन खुला रखें तथा घर का द्वार पूर्व की ओर रखें। यदि संतान बाधा कारक ग्रह सूर्य है तो यह समझना चाहिए कि भगवान शंकर और गरुड़ की द्रोड़ करने के कारण या पितृदोष के कारण जातक को संतान नहीं है। अतः सूर्य देव के मंत्रों का जाप करें, 7000 बार मंत्रों का जाप करेंगे तो आपका सूर्य शांत हो जाएगा, आपके पितृ भी शांत हो जाएंगे। इसलिए आप सूर्यदेव की शांति के लिए इनमें से कोई भी एक उपाय अपना सकते हैं और सूर्यदेव को शांत करेंगे। आपको अगर आपको संतान प्राप्ति नहीं हो रही है तो अपने पितृदोष को शांत करें, पितरों के लिए
आप पिंडदान करें, दान करें और हर अमावस्या को खाना खिलाएं, किसी भी गरीब या बुजुर्ग को खाना खिलाएं, पंडित को दान करके आएंगे तो भी आपका जो बुजुर्ग जो होते हैं वो उनका जो आत्मा होती है वो शांत हो जाएगी, आपका पितृ दोष समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी बहुत ही छोटी सी जानकारी सूर्य देव को शांत करने के लिए। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।